कल 16 मार्च को जेल रोड जामा मस्जिद के बाहर होने वाली शहदाए तहफुज खात्मे नबत्तम कॉन्फ्रेंस को लेकर आज लुधियाना के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में एक पत्रकार सम्मेलन हुआ। कल होने वाले महा मुस्लिम सम्मेलन के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शाही इमाम मौलाना हबीब उर रहमान सानी ने बताया कि महा मुस्लिम सम्मेलन में एक बहुत बड़ा इकट्ठ होगा, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों से हर तबके के हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य मकसद मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब की तरफ से अमन के दिए गए उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू रब दना तो जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बड़ा खुशी का मकाम है कि कल 16 तारीख न 14 खत्म कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवनी हो रही है। ये जी कॉन्फ्रेंस को जाना चाहे बार मकसद है कि जेल लोड से दोनों सड़क से तकरीबन सिविल हॉस्पिटल तक लोग होंगे, तकरीबन 2.5 लाख का मजमा होएगा और ये बड़े बड़े हिंदुस्तान के विद्वान भी शामिल हो रहे हैं। और ये मकसद है कि भी हरेक तबके के लोग पूरे शहर चो लोग हूँ आके पहुँचे और पंजाबी पंजाब के पिंड भी लोग जाएंगे कॉन्फ्रेंस के। सारा मकसद है कि भी जोड़े दूसरे लोग है उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी बारे दसिया जाए कि उन्होंने अमन का पैगाम पूरी दुनिया दिता है और अमन के वास्ते उन्होंने काम किया है। और पूरी दुनिया के अंदर जो लोग दहशतगर्दी का नाम लैके इस्लाम बदनाम करते हैं उसको खत्म किया जाए, क्योंकि इस्लाम जोड़ा अमन है और अमन की दावत दिता है। लुधियाना से गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन अमनदीप के साथ फॉक्स.पंजाबी, योर सिटी योर न्यूज़।